नमस्कार सूरत शहरना तमाम शहरीजनों, सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर खाते विविध एक्जिबिशन की शुरुआत दी सदन गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उपक्रमें थी चूकी है। 11, 12 और 13 एटले के शनि रवि और सोम आ त्रण दिवस सवारे 10 सांजे 6 समयगाळा दरमियान आ एक्जिबिशन चालना है। और पहले दिवसे उद्घाटन पछी जो माहौल तमे जोई शको छो के हकड़े थट जनमेदनी अहीं एकठी थई छे अने तेज आ एक्जिबिशननुं अनेरुं महत्व बतावे छे। आ एक्जिबिशन की अंदर अनेरा आकर्षणों से तेनी साथे साथे वीव नीट एटले के वीविंग अने नीटिंगनो समन्वय आ एक अद्भुत बाबत छे। आवुं प्रकारनुं पहेलुं एक्जिबिशन आ समयगाळा दरमियान थई रह्युं छे। एम पण कही शकूँ कि समग्र भारतनी अंदर आ प्रकारनुं एक्जिबिशन कोरोनाना सेकेंड वेव पछी जो फिजिकल एक्जिबिशन थतुं होय तो त्यां चेम्बर ऑफ कॉमर्सनुं सूरत खातेनुं एक्जिबिशन छे। आपणे एक पछी एक स्टॉलना मित्रों साथे वात करीशुं अने तेमनी पासेथी तेमना स्टॉलनी विगत मेळवानी कोशिश करीशुं। अमारे साथे यश अडवाणीजी, जो कि सिग्नेचर सिल्क रहीमन धागा प्रेम का ए स्लोगन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यश, आपका हार्दिक स्वागत है और बताइए आपके स्टॉल की विशिष्टता, आपकी जो क्वालिटी यहाँ पर आपने जो रखी है उनकी विशिष्टता क्या है? सर, मैं कम्प्लीटली विस्कोस फैब्रिक में काम करता हूँ। प्योर विस्कोस फैब्रिक में ही पूरा डील करने की कोशिश करता हूँ। दुपट्टे, टॉप, ऑल ओवर, लेसेस, प्लेन फैब्रिक, बूटा बूटी, वो सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ। इस बार कुछ एक नई चीज़ जो ट्राई करने की कोशिश की है वो हमने एक प्योर जरी का, प्योर गोल्ड जरी का एक सूट लहंगा क्रिएट करने का कोशिश किया है। इसके अंदर आपकी नीचे जो रहती है सिल्वर की तार रहती है, उसके ऊपर गोल्ड की वर्क होता है। क्या कीमत है उसकी? सर, ऐसे हम लोग अगर बेचने जाए तो 35 से 40 हज़ार के आसपास बेचते हैं। हाँ। जब बिकेगा ये 1.5 से 2 लाख के बीच में बिकना चाहिए मिनिमम। हाँ। ऐसी एक वो है, इसमें 3 किलो प्योर जरी यूज़ की गई है। लेकिन आज भी किसी ने भी तो उसकी इंक्वायरी की होगी? सर, काफ़ी लोगों की हुई है आज सुबह से। एक अच्छा उसके शो स्टॉपर रहा है, सूरत जाना ही प्योर जरी के लिए जाता था। हम वही मोटिव रहा है कि सूरत की वो प्योर जरी सूरत में वापस लेके आ जाए, सूरत का गोल्ड सूरत में वापस लेके आ जाए। तो ये आपकी बड़ी सफलता है आज के दिन में। ये जो आइटम यहाँ पर है इसकी क्या विशिष्टता है ये भी आप बताइए, और किस क्वालिटी का है, क्या क्या उसमें यूज़ किया गया है वो बताइए। सर, इसके अंदर हमने विस्कोस धागा यूज़ किया हुआ है। इसको विस्कोस डोला का कलियाँ बनती हैं, कलियों को ज्वाइन करके हमने एक लहंगा क्रिएट किया है। तो इसके साथ मैंने जो इसके अंदर यान यूज़ किया हुआ है वो एक यान प्लस जरी का कॉम्बिनेशन है, एक नई चीज़ ट्राई की है। उसके वजह से यान के अंदर जो एक शाइन आनी चाहिए, जो एक लुक आना चाहिए, जो एक फील आना चाहिए, वो एक अलग चीज़ अपने आप में उठ के आ रही है। ऐसे कितने प्रकार के एग्जीबिशंस में आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है? सर, मैं काफ़ी नया हूँ, मेरा पहला एग्जीबिशन ये है। हमने मशीन लेवल पे हमने काफ़ी एग्जीबिशंस किए हुए हैं, हम लोग 2014 से 2013 से कर रहे हैं सिग्नेचर टेक्सटाइल मशीन के। दर्शक दोस्तों, आप जानते हैं कि सिग्नेचर इज अ नेम नोन फॉर द मशीनरी एंड नाउ दे आर इनटू दिस टेक्सटाइल आल्सो। सो आई थिंक ये एक बड़ी विशिष्टता के साथ सिग्नेचर ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हुआ है। मैं अडवाणी ब्रदर्स को और यश को, दोनों सबको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ SGCCI यूट्यूब चैनल की ओर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरामैन राहुल तांदलेकर के साथ मैं निखिल मद्रासी।